विजय आनंद डिटेक्टिव एजेंसी यानी कि वादा से मुखातिब हैं। इस वक्त हमारी एजेंसी के दोनों विश्वविख्यात जासूस एक भयंकर पेचीदा केस सॉल्व करने में डूबे हुए हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि बीप के बाद आप अपना नाम, काम और टेलीफोन नंबर छोड़ दीजिए। हमारी आंसरिंग मशीन आपके मैसेज को तुरंत रिकॉर्ड कर देगी। धन्यवाद। किसका फोन था? कोई मर्डर केस? मकान मालिक का था। क्या कह रहा था? शर्म नहीं आती तुमको? हाँ? वो कह रहा था। हाँ? कह रहा था आंसरिंग मशीन लगवाने के पैसे है तुम्हारे पास और मेरा किराया देने के नहीं है। तो कह देने का ना। क्या? कि लाला जी आंसरिंग मशीन के कहाँ है पैसे? सब कुछ अपने टैलेंट से चला रहे हैं बस। यार आनंद, ये जो लाला जी जैसे लोग होते हैं ना। हाँ। और यही क्यों यार, अपना केबल वाला, राशन वाला, चाय वाला, ये सब लोगों का आईक्यू इतना लो होता है कि अब क्या बोले इन्हें। और क्यों बोले इन्हें? हाँ। ये चौथा वड़ा पाव खा रहा है तू आनंद। हाँ यार, आज थोड़ी कम भूख है, चार से ही चला लूंगा। यार ये लोग इतने कम अकल वाले क्यों है यार? जी यही वड़ा की दुकान है? वो वड़ा नहीं, वादा। विजय आनंद डिटेक्टिव एजेंसी। और इसलिए दुकान नहीं बल्कि ऑफिस। हाँ वही। गोपीनाथ जी का पर्सनल ड्राइवर। गोपीनाथ जी का मतलब अपने नेताजी? हाँ। उनके ड्राइवर है? अब आइए ना, खड़े क्यों हैं आप? बैठिए ना। आइए आइए, प्लीज प्लीज बैठिए, यहाँ बैठिए, आप बैठिए ना। एक मिनट, एक मिनट, कहिए क्या प्रॉब्लम है आपको? किसी पे नजर रखनी है? किसी का मर्डर हो गया है? किडनैपिंग हो रहा है? नहीं नहीं, पार्टी हो रही है। पार्टी हो रही है? आज शाम गोपीनाथ जी पार्टी दे रहे हैं। शहर के सभी बड़े बड़े लोगों को बुलाए। अब गोपीनाथ जी पार्टी देंगे तो जाहिर है शहर के बड़े बड़े लोगों को भी बुलाएंगे। तो आपको भी बुलाए, ये कार्ड भेजा है। मतलब हमें गोपीनाथ जी ने पार्टी में बुलाया है? यार आनंद, बड़े बड़े लोगों को बुलाया है ना, तो मैं चलता हूँ। सलाम साहब। सलाम। हाँ देखो ड्राइवर, टेल गोपीनाथ जी वी विल बी देयर। सलाम साहब। यार विजय, गोपीनाथ जी जैसा बड़ा नेता और हमें पार्टी में बुलाया है? अब ये कार्ड भेजा है ना शोफर के हाथों। हाँ यार, लेकिन वो तो कह रहा था कि शहर के बड़े बड़े लोगों को बुलाया है। तो यार आनंद, अब बन गए हम भी बड़े। आइए जायसवाल साहब। कैसे हैं? तशरीफ रखिए। गुड इवनिंग सर। वादा। कैसा वादा? विजय आनंद, विजय आनंद डिटेक्टिव एजेंसी। वादा, शहर के लोगों की हर किस्म की गुत्थियों को सुलझाने वाले जासूस।
और ये रहा इनविटेशन कार्ड जो आपने हमें भेजा था। यू कैन सी सर, मैं यहाँ आप जैसे महान जासूसों के कार्ड चेक करने नहीं बल्कि आपका स्वागत करने के लिए खड़ा हूँ। ये तो आपकी मेहरबानी है जो सेवक की कुटिया पे पधारे। आप हैं मेरे छोटे दामाद विवेक और मीनल। जी पापा। मेरी छोटी बेटी बेटी, आप लोगों को अंदर ले जाओ। जी पापा, आइए आइए। एक्सक्यूज मी, लगता है मैंने आपको पहले कहीं देखा है। नो गड़बड़, नो गड़बड़। आप सेंट फ्रांसिस में पढ़ते थे? हाँ जी हाँ। अरे हाँ, आप और हम फिफ्थ से एट तक क्लास फेलो रह चुके हैं, है ना? सही पहचाना। हाँ। वही मैं देखना चाहती थी, जो लड़का क्लास में हमेशा पीछे बैठता था, पनिशमेंट लेता था, वो जासूस होकर लगता कैसे है। मतलब हमें कार्ड आपने भिजवाया? जी हाँ। और हम समझते थे हमारे टैलेंट की वजह से मिला है हमें ये कार्ड। ठीक है यार, पार्टी तो एंजॉय करते हैं। चल यार, आज जम के खाते हैं तेरी मीनल की पार्टी में। जी, आपने मुझे कुछ कहा? जी नहीं, ऐसे कुछ बड़बड़ाने की आदत है। और वो क्या है ना मीनल जी, कि इतने केसेस हमें सॉल्व करने पड़ते हैं तो दिमाग घूम जाता है। घूम जाता है। अब हमारी चिंता छोड़िए, वी आर परफेक्टली एट होम। ओके वेटर जी, क्या लेंगे आप, सॉफ्ट ड्रिंक या हार्ड? लस्सी मिलेगी मलाई मार के। जी एक्सक्यूज मी, ये ले। यार आनंद, यार तू इतना फोक टाइप का क्यों है? लस्सी मांग ली मलाई मार के, लस्सी तो क्या हुआ, लगती है मुझे लस्सी अच्छी? जासूस आए हुए हैं ना बाधा एजेंसी वाले, विजय आनंद। विजय आनंद दो कैसे हो सकते हैं? अरे दो है यार, सुनना। उसमें से वो जो लंबा वाला है ना विजय, वो तो मेरा क्लासमेट था। मैंने उनसे पूछा क्या लेंगे आप, हार्ड ड्रिंक या सॉफ्ट, तो छोटा है ना आनंद, वो पता है क्या बोला? क्या? एक लस्सी मिलेगी मलाई मार के। ओ माय गॉड। देख दोनों हंस रही हैं हम पे, तो हंसने देना। जब मर्डर हो जाएगा इनमें से किसी का, तो ये लोग रोते रोते हमारे पास आएंगे। त्रिपाठी जी, आप जैसे कर्मठ पार्टी के अध्यक्ष रहते, देश भला कैसे पीछे रह सकता है? अरे नहीं नहीं गोपीनाथ, अब इस देश की बागडोर तुम जैसे युवा कंधों पर है। भाई हमने तो लाठियां खा खा कर दिलवा दी इस देश को आजादी, अब बनाओ से सोने की चिड़िया। बस जी उसी में लगे हुए हैं। अब बताना भूल ही गया, मेरी बेटी और दामाद इसी हफ्ते कनाडा वापस जा रहे हैं। अच्छा? हाँ जी, आप बताइए अगर आपके लिए कुछ भिजवाना हो तो। भाई एक कमर को सेक देने वाली एक दरी आती है रबड़ की, जिसमें बिजली की तारें लगी होती हैं, बस ले जाओ और आराम आ जाता है। बस वही है। जी सर, मैं बस जाते ही जाऊँ। मैं उन्हें याद दिला दूंगी। वेरी गुड। हाँ जरूर जरूर बेटिया, अगर ये काम हो जाए तो कुछ दिन और हम देश की सेवा कर ले। रामसिंह ठेकेदार का फोन आया। अच्छा, वो शायद दोबारा फोन करेगा। हेलो रवि, कैसे हो? ओके, कल नहीं मैं अगले हफ्ते कनाडा जा रही हूँ। हाँ हाँ आ जाऊँ। रवि अब पार्टी छोड़कर मैं कैसे आ सकती हूँ? ओहो, फिर तुमने स्टूपिड जैसी बात की। देख हाँ हाँ वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। देखो मैं आ जाऊंगी। ओके रवि, अब मैं फोन रखती हूँ, अगर राजेश ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके सी यू, बाय। विवेक देखो ना, तुम्हारा दोस्त आज तक नीता को फोन करता रहता है, आज पार्टी में भी फोन कर दिया। अब नीता को समझाने जाओ तो तुम तो जानते ही हो उसका नेचर, गुस्सा हमेशा उसके नाक पे रहता है। हाँ भाई,
आखिर बहन है किसकी? विवेक, ये बात मजाक की नहीं है। कहीं जीजा जी को पता चल गया कि नीता शादी से पहले रवि से प्यार करती थी तो गजब हो जाएगा। लेकिन राजेश को कैसे पता चलेगा? तुम्हारा मतलब है जीजा जी को पता ना चले तो रवि करता रहे नीता को फोन? मीनल, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। क्या कहना चाहते हो तुम? तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, मैं तो जानती हूँ। क्या है विवेक, तुम्हें तो रवि की हर बात सही लगती है। अगर मैं इससे ज्यादा कुछ कहूँ तो तुम फिर से वही पुरानी स्टोरी शुरू कर दोगे। मैं गरीब था, रवि अमीर था, उसने स्कूल के दिनों में मेरी पैसों से बहुत मदद की है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने मेरी और तुम्हारी शादी भी करवाई, वरना तुम्हारे पापा तो साफ मुकर गए थे। एक तो गरीब, ऊपर से बेरोजगार, अरे कैसे मान जाते गोपीनाथ जी। मगर रवि ने अपनी नीता के साथ मोहब्बत कुर्बान करके मेरी और तुम्हारी शादी करवाई, और वो नीता जिसकी तुम शिकायत कर रही हो ना, वो तुम्हें मेरे पास लाई थी चुपचाप भगा के, ताकि हम लोग कोर्ट मैरिज कर सके। मैं मानती हूँ दोनों ने हम पर बहुत एहसान किए है, पर अब तो नीता राजेश की बीवी है तो रवि उसे कौन सा भगा कर लेके जा रहा है यार? वो ही तो कर रहा है, और फिर हफ्ते भर में वो कनाडा चली जाएगी, वो भी राजेश के साथ। दिल घबरा रहा है मेरा, जीजा जी के चेहरे पे बदले बदले एक्सप्रेशन देखे हैं। मैं पता चल गया तो वो खून कर देंगे तुम्हारे रवि का। प्लीज विवेक, तुम उसे जाके समझा दो ना कि वो ना करे नीता को फोन। पुराने इश्क के चक्कर में नीता कहीं गलत कदम उठा बैठे तो पापा की क्या इज्जत रह जाएगी? प्लीज विवेक। ठीक है बाबा, मैं खुद जाकर रवि से बात करूंगा और उसे समझाने की कोशिश करूंगा। भाई आखिर अपनी प्यारी प्यारी बीवी के पिताजी की इज्जत के साथ कौन खेल सकता है ना? हाँ, मैंने कहा ना आपको, ठेके को जनसेवा के साथ मत जोड़ो भाई। अंकल एक्सक्यूज मी, मैं बाद में आपसे बात करूंगा। ओके, आपकी बेटी के बारे में बात करनी है। क्या हुआ, नीता के साथ कोई झगड़ा हुआ क्या? फिलहाल तो नहीं हुआ, पर क्या, जल्दी बताओ दामाद जी, कोई समस्या आ गई क्या? आज पार्टी में आपकी बेटी को उसके किसी दोस्त ने फोन किया था। नीता की कोई सहेली होगी। फोन करने वाली लड़की नहीं, लड़का था। लड़का था, कौन हो सकता है? कौन हो सकता है जिससे नीता हंस हंस के बोल सकती है, जो चलती पार्टी में अधिकार से नीता को घर पे बुला सकता है? नहीं नहीं दामाद जी, जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई। मैंने खुद पैरेलल लाइन पे बातचीत सुनी है अंकल। अच्छा, तब तो जरूर विरोधी पार्टी का कोई षड्यंत्र होगा, सबके सब जलते जो है मेरे सुख चैन से। अगर कोई सचमुच नीता का पुराना आशिक निकल आया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा अंकल। दामाद जी, दामाद जी, ये नीता क्यों मुझे, क्या करूं मैं? विवेक, व्हाट अ सरप्राइज। कैसा है तू? बस यार, दुआ है तेरी। अरे दुआएं तो टनों में है तेरे लिए। कम 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 बैठ। लेगा दिन में? अरे दिन में ये पानी जैसी जिन बहुत अच्छी होती है। नहीं यार। आहा, यार कहता है और यार के साथ में डूबना नहीं चाहता है। अच्छा एक बना दे छोटा सा। ये हुई ना बात। बस छोटा ही तो है। चेस चेस। ये विवेक, ईमानदारी से कहूं तो जब तक नीता कनाडा नहीं चले जाती ना, उससे फोन पे बात करने की या मिलने की या पीने के अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता। रवि, अभी नीता शादीशुदा है यार। आई नो। तो फिर मैं उसे कौन सा भगा रहा हूं या फ्लर्ट कर रहा हूं उससे? तू उसे फोन क्यों करता है, छोड़ना यार। विवेक, मैंने नीता से प्यार किया है,
सच्चा प्यार, उतना ही सच्चा जितना तूने मिनल से किया है। वक्त वक्त की बात है, उस वक्त तूने मुझे कहा था कि अमीर है, अकेले अकेले शादी करेगा। लेकिन क्यों यार, मैं भी तो तू तो गोपीनाथ का खास मोहरा बन गया है। फैक्ट्री, पॉलिटिक्स, अच्छा लगता है जब तेरी तरक्की देखता हूं तो मजा आता है। अच्छा ये बता कि कैसे याद किया मुझे? देख रवि, मैं ये कहने आया था कि ये तेरा नीता से मिलना, उसे फोन करना, ये सब ठीक नहीं है यार। यार राजेश को सब कुछ पता चल गया। तो मतलब यार गोपीनाथ जी परेशान हो गए ना? तो गोपीनाथ की परेशानी तुझे यहां पर खींच के लाई है? नहीं रवि, नहीं। देख मीनर और मैं दोनों यही सोचते हैं कि किसी शादीशुदा कपल की जिंदगी इस तरह डिस्टर्ब करना ये ठीक नहीं है रवि। विवेक, तुम इतनी घटिया नजरों से क्यों देखते हो? नीता ने मुझसे प्यार किया है, सच्चा प्यार। ये अलग बात है कि तुम्हारी शादी हो पाई और हमारी नहीं हो पाई। तुम खुश हो, मैं भी खुश हूं, लेकिन वो जिसकी शादी जबरदस्ती की गई, क्या वो खुश है? खुश है वो? नहीं। तो ऐसे में अगर कभी उसने मुझे फोन कर लिया या मुझसे मिलने आ गई और अपनी थोड़ी सी खुशी हासिल कर ली तो क्या गलत है इसमें? क्या गलत से ज्यादा उसमें बहुत गड़बड़ है रवि। देख रवि, मैं इसीलिए तुझे वॉर्न करने आया था। क्या बोला तू? वॉर्न करने? वॉर्न ही बोला ना तू? देख रवि, रवि प्लीज तू इतना टची मत हो। तू मुझे वॉर्न करने आया है? रवि अपनी आवाज रेज मत कर प्लीज। क्या कर लेगा तू मेरा? क्या कर लेगा बोल? रवि यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। लिमिट? तू मुझे लिमिट बताएगा? वो दोस्त जिसका रोम रोम मेरे एहसानों तले दबा हुआ है वो मुझे लिमिट बताने लगा। देख रवि प्लीज। क्या देखना? गोपीनाथ की फैक्ट्री, पॉलिटिक्स, पान। तू इतना फैल गया कि तू मुझे लिमिट बताने लग गया है? बस बहुत हो गया, अब मुझे चलना चाहिए। कौन ज्यादा हो गई है तुझे? लेकिन एक बात याद रखना रवि, अगर तूने नीता से मिलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? अच्छा, वाह, मेरा दोस्त इतना बड़ा हो गया है कि मुझे धमकी देने आया है। मैं नीता से मिलूंगा, जरूर मिलूंगा। रवि रवि देख, ठीक नहीं होगा। विवेक, जिंदगी हमेशा ठीक और बेठीक का गुणा भाग तो नहीं हो सकती ना। नीता, कहाँ जा रही हो? यू ही कहाँ? थोड़ी फाइनल शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग? क्या शॉपिंग करनी है? मैं समझा किसी से मिलने जा रही हूँ। मैं किससे मिलने जाऊंगी? कोई फ्रेंड जो ज्यादा करीब होता है ना कभी कभी। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है राजेश। ओके, सी यू। कैसी हो तुम? कैसे हो? देख लो। सुबह से शराब पी रहे हो? कोई और बात करो। कम ऑन रवि, ये देवदास वाला एंगल मत डेवलप करो। ओके। ये वक्त भी क्या चीज है, हाथ से ऐसे फिसल जाता है जैसे जैसे सुखी रेत, जैसे बहती हवा, जैसे बहता पानी। याद है रवि, ऐसी पोएट्री
कितनी बार हो जाती थी हमारे बीच में। हाँ लेकिन अभी सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। मेरे पिताजी हर चुनाव में लाखों का चंदा देते हैं आपकी पार्टी को, और आपने उन्हीं के साथ विश्वासघात किया। ये तुम क्या कह रहे हो बेटे? आपकी बेटी मेरी बीवी होकर अपने पुराने यार से मिलने जाए? नहीं, ऐसा नहीं राजेश। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं, आज वो मुझे झूठ बोल के गई है। झूठ? नहीं नहीं, वो भला तुमसे क्यों झूठ बोलेगी? मैं वॉर्न कर रहा हूं अंकल, अगर मुझे पता लगा कि वो मुझसे बेवफाई कर रही है, मेरी जिंदगी से खेल रही है, तो मैं आप सबकी जिंदगी हराम कर दूंगा। रवि, सबको सब कुछ तो नहीं मिलता जिंदगी में। कितनी कोशिश की थी मैंने तुम्हारे पापा को समझाने की। मैंने बोला था मर जाऊंगा मैं नीता के बिना। छोड़ो रवि, वो सब कुछ जो बुरा था वो गुजर चुका है, फिर उसे क्यों याद करें? याद करने के लिए कुछ अच्छे लम्हे भी तो है हमारे पास। हाँ, उसी के सहारे तो जी रहा हूं मैं। एक चीज मांगू मैं तुमसे? जान मांग लो हमारी। नहीं, अब मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही अच्छे बने रहो। एक बात पूछूं? पूछूं। क्या तुम खुश हो? हेलो, आप विजय आनंद डिटेक्टिव एजेंसी यानी कि वादा से मुखातिब हैं? हेलो हेलो विजय, मैं मीनल बोल रही हूँ। कौन मीनल? ओ हाँ हाँ, गोपीनाथ जी की लड़की। हाँ बोलो। देखो विजय, हम लोग एक बड़ी अजीब प्रॉब्लम में फंस गए हैं, और बात इतनी घरेलू है कि सबको बता भी नहीं सकते। अरे मीनल, तुम मुझे बताओ ना यार। वो नीता है ना? हाँ, तुम्हारी छोटी सिस्टर। नहीं, बड़ी। हाँ तो? वो शादी से पहले रवि से प्यार करती थी। नो प्रॉब्लम। अरे यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बात जीजा जी को पता चल गई है कि नीता रवि से मिलने उसके घर चली गई है, और उन्होंने पापा को गुस्से में कुछ हनचन कह दिया। अब पापा गुस्से में रवि के घर जाने से पहले मैंने विवेक को वहाँ भेज तो दिया है ये कहकर कि तुम पापा से पहले पहुँच जाना, पर तो मैं क्या करूँ? तुम और तुम्हारे दोस्त तो जासूस हो ना। हाँ? तुम दोनों जाके रवि को समझा दो कि वो बस दो तीन दिन चुप रह जाए, फिर तो नीता चली जाएगी कनाडा जीजा जी के साथ। कम से कम तब तक तो वो नीता के साथ। देखो मिनल, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। ओके? हाँ, वहां का एड्रेस देना जरा, एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, ओके मिनल। या किसका फोन था? मीनल का, वो गोपीनाथ जी की लड़की है ना, उसका। मतलब फिर से पार्टी? आनंद, खाने पीने के अलावा तुझे कुछ सोचना नहीं है क्या? खाना पीना भी तो एक काम है यार। कभी तो सीरियस हुआ कर यार। चले हो गया सीरियस, बोल अब क्या प्रॉब्लम है? लगता है मीनल की फैमिली में कुछ टेंशन चल रही है। हमें रवि से जाके मिलना चाहिए। अब ये रवि साहब कौन है? रास्ते में बताऊंगा तुझे। अरे लेकिन जाना कहाँ है? 10 पार्क स्ट्रीट, शास्त्री नगर। हे भगवान, पता नहीं विजय वहां पहुंचा कि नहीं। कहीं विवेक और पापा दोनों से झगड़ा कर नीता भाग गई रवि के साथ तो? नहीं नहीं, रवि जी, रवि जी,
शायद अंदर होंगे, दरवाजा भी खुला छोड़ा था ना विजय। यार ये तो मर गया। हाथ मत लगाना, इंस्पेक्टर खरे को फोन करो। सोचते सोचते ये समझ में न आए, सोचते सोचते ये समझ में न आए, शक के घेरे में देखो सब के सब आए, जुर्म किसने किया, मुजरिम है वो कौन कौन।